नमस्कार। अगर आपका भी अकाउंट SBI कैप सिक्योरिटीज़ में है और आपको भी ऐसे ईमेल्स या SMS या मैसेजेस आ रहे हैं मार्जिन ई मार्जिन से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ई मार्जिन आखिर है क्या। ई मार्जिन एक प्रकार का लोन होता है जो मैक्सिमम जो फुल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती है, ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं, वो अपने कस्टमर्स को देती हैं। पहले क्या होता था कि कंपनियां जो लोन देती थी, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए के बिहाफ में आप 4 लाख 5 लाख 10 लाख का माल खरीद सकते थे, शेयर खरीद सकते थे 5 दिनों के लिए। लेकिन उसके पीछे कंपनी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती थी, वो लगभग 18% पर ईयर का, प्लस उसके ऊपर 18% की GST, मोटा मोटी बोला जाए तो 20% का पर ईयर का हिसाब से आपको चार्ज लगता था। पर डे के हिसाब से बात की जाए तो 0.06%, मतलब 1 लाख के पीछे आपको 60 रुपये तक का इंटरेस्ट आपको पर डे के हिसाब से कंपनी को देना पड़ता था। लेकिन अब SBI क्या करने जा रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे पिक्चर की, SBI क्या बोल रही है, SBI सिक्योरिटीज़ की, वो 30 दिनों के लिए 0% इंटरेस्ट में ई मार्जिन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का पिक्चर क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा नुकसान क्या है, कस्टमर को फ़ायदा है या नहीं, या नुकसान है, या कंपनी को फ़ायदा है या नुकसान है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ई मार्जिन के बारे में मैंने आपको जैसा कि समझाया, तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो उसके बिहाफ में आप 4 लाख का माल खरीद सकते हैं, मतलब आपको जो मार्जिन लगेगी वो 25% लगेगी एज़ पर इनका जो मेल रिसीव हुआ है हमें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपना पोजीशन कभी भी स्क्वायर अप कर सकते हैं। ये जो भी ई मार्जिन की फैसिलिटी है ये 30 दिनों के लिए रहेगी, 30 डेज तक आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज, मार्जिन कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड स्टॉक्स। मार्जिन आपको कैश के भी हाथ में भी मिल सकता है, या आपके पास पहले से कोई शेयर्स रखे हुए हैं तो उनको आप प्लेज कर दीजिए, उसके बिहाफ में जो मार्जिन मिलेगी उस मार्जिन का भी यूज़ आप ई मार्जिन के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक पेच यहाँ पर ये है कि अगर आपका ब्रोकरेज SBI कैप सिक्योरिटीज़ में कम है, या आपने स्मार्ट प्लान ले रखा हुआ है, और इस केस में अगर आप ई मार्जिन यूज़ करते हैं, तो आपको जो ब्रोकरेज लगेगा वो हायर साइड पे लगेगा, मतलब आपको डिलीवरी चार्जेस 0.50% लगने वाले हैं। मतलब 1 लाख का अगर आप डिलीवरी करते हैं, तो 1 लाख के पीछे 500 रुपये का ब्रोकरेज आपको SBI सिक्योरिटीज़ को पे करना होगा, ख़रीदते समय भी 500 रुपये, और जब आप उस ई मार्जिन वाले शेयर को सेल करेंगे तो उस समय भी आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा क्लैश है यहाँ पर, कि कंपनी आपको फ्री में तो दे रही है, लेकिन फ्री के बदले में आपसे क्या ले रही है। तो फ्री के बदले में वो आपसे ले रही है ज़्यादा ब्रोकरेज। इन केस मान लीजिए आपने आज ख़रीदा कोई शेयर, 1 से 2 दिन में वो शेयर बढ़ गया, अब आपने 2 दिन बाद उस शेयर को बेच दिया, तो 2 दिन के बाद भी बेचा तो भी आपको जो ब्रोकरेज लगेंगे वो बिल्कुल हायर साइड पर लगेंगे। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है कि मार्केट में मूवमेंट रहते हैं, और मार्केट में जब मूवमेंट रहते हैं तो जो कस्टमर है वो परचेस सेल करता ही है स्टॉक्स को। तो उस केस में कंपनी ने ये मतलब गोली दे दिया अपने कस्टमर्स को, ये धोखे वाली बात हो गई कि भैया आप 30 दिन के लिए लीजिए शेयर, हम आपको इंटरेस्ट फ्री दे देंगे। अरे भाई, कान एक तरफ से पकड़ रहे हो, दूसरे तरफ से आप उससे ज़्यादा ब्रोकरेज ले ले रहे हो कस्टमर से, है ना। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। तीसरी चीज़, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जिनका पावर ऑफ अटर्नी
सबमिट है कंपनी के पास, इन केस आपने अकाउंट खोला हुआ है और आपका पावर ऑफ अटर्नी नहीं है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ये ई मार्जिन आपको दिखती कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर SBI का शेयर परचेस करना चाहते हैं अगर आप, तो चार ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, डिलीवरी इंट्राडे, ई मार्जिन एंड कवर ऑर्डर। तो ई मार्जिन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे SBI के 100 शेयर आपको परचेस करने हैं, ठीक है, 100 शेयर आपको मान लीजिए 500 रुपये के रेट में परचेस करने, तो 500 के हिसाब से 50,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर आप मार्जिन देख लीजिए, आपको कितनी मार्जिन देनी पड़ेगी कंपनी को, तो कंपनी को आपको यहाँ पर देना है ओनली 15,000 रुपये, 50,000 रुपये के बिहाफ में, लगभग 4 गुना के आसपास। तो यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मार्जिन रिक्वायर्ड आपने मान लीजिए 15,000 डाला और 100 शेयर बाई कर लिया SBI के, अब मान लीजिए कल की डेट में SBI आ गया 490 या 495, तो उस केस में SBI क्या करेगी, आपका मार्जिन शॉर्टफॉल का रिपोर्ट करेगी एक्सचेंज को, और उस केस में आपको पेनाल्टी लगाई जाएगी। जी हाँ, आपको पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, और पेनाल्टी लगाए जाने के लिए आपको एक मेल भी आएगा SBI की तरफ से। उस केस में या तो आपको पैसे डालने होंगे एट ए टाइम, अब आपके पास उस समय पैसे हुए या नहीं हुए ये चीज़ कौन जानता है, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी, साथ में आपको अपना पोजीशन भी लॉस में काटना होगा। तो ये है निगेटिव पॉइंट। दूसरे निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस पोजीशन टिल 7 दिसंबर 2021, 7 दिसंबर तक आप अपना पोजीशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका मार्जिन मनी, जो मार्जिन रिक्वायर्ड मनी है वो अवेलेबल रहना चाहिए। उस केस में मान लीजिए मार्केट सडनली डाउनफॉल आ जाता है, तो उस केस में आपको अपना स्टॉक भी बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पैसे डालते जाएंगे, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है उसको फुलफ़िल करते जाएंगे। तो उस केस में क्या क्या होता है कि एक कस्टमर का सेंटीमेंट भी जुड़ा होता है कि मैं लॉस में नहीं बेचूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो 30 दिन का पीरियड आपको वैसे ही मिलता है, तो 30 दिन में मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस केस में भी आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कस्टमर को एक तो ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ उसको यहाँ पर एक्सचेंज के थ्रू पेनाल्टी का खतरा है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कस्टमर को ब्रोकर को अपना पावर ऑफ अटर्नी देना है, जो कि आप हमेशा न्यूज़ चैनल आप अगर आप देखें CNBC देख लो या जी बिजनेस देख लो, तो वहाँ कोई भी न्यूज़ चैनल रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी ब्रोकर को दीजिए, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी देने की वजह से ही जो कार्वी जैसे बड़े कांड हुए वो पावर ऑफ अटर्नी के वजह से ही हुए। तो पावर ऑफ अटर्नी आपको देना है ये सर्विस लेने के लिए, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अगर आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप मार्जिन में किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक 0% इंटरेस्ट रेट फॉर 30 डेज़ को देखकर मत जाइए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कंपनी किस तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा कमा रही है। वो 1 लाख के पीछे 60 रुपये का इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, 1 लाख के पीछे आप कंपनी को हर 2-3 दिन में 500 रुपये का ब्रोकरेज देते रहेंगे। तो कंपनी इस दिमाग से काम करती है, आप और हम जैसे लोग जो हैं सिर्फ 0% इंटरेस्ट रेट देख के आगे दौड़ते हैं और वहाँ पर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग खुद भी समझिए चीज़ों को कि कंपनी अगर कोई स्कीम लेकर आ रही है तो वो किस चीज़ के लिए लेकर आ रही है। कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं करना चाहती, कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी होशियार होता है, अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए वो लोग इस तरीके के जो भी फैसले हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 0% इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला SBI सिक्योरिटीज़ लेकर आई है वो टोटली फ्लॉप है, वो किसी काम का नहीं, वो कस्टमर के लिए समझ लीजिए यूज़लेस है, कस्टमर के ऊपर एक बर्डन है, कस्टमर
को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कस्टमर को इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, कस्टमर को दूर रहना चाहिए, और कस्टमर को अपना नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है इन सब स्कीम्स के चक्कर में, उन सब से बच के रहना चाहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।